Why have you changed job so frequently? इस सवाल का जवाब अगर आप इंटरव्यू में इम्पैक्टफुल देते हैं तो आपकी सक्सेस इंटरव्यू में ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपसे यही सवाल के बारे में बात करने वाला हूं कि क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या आपको बोलना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, और कुछ सैंपल आंसर इस वीडियो के अंत में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जॉब हॉपिंग, फ्रीक्वेंट जॉब चेंज बहुत फ्रीक्वेंट है आजकल की इंडस्ट्री में, लेकिन इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जाएंगे और आपको इंटरव्यू में इसका जवाब बहुत ही इम्पैक्टफुल up to the satisfaction of the person who's conducting the interview dena hoga. To sabse cheez aapko dhyan rakhni hai company ka culture. Study about the culture, people and whole environment of the company. Aap social media pe jaiye aur dekhiye ki us company mein jo employee hain kitne frequently job change karte hain, kya kya reason ho sakte hain. So aapko dono ko study karna padega, current company jahan se aapne choda hai और दूसरी कंपनी जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। और सेकंड थिंग जो आपको ध्यान में रखना है, ऑलवेज थिंक फ्रॉम रिक्रूटर्स पर्सपेक्टिव कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो रिक्रूटर के मन में या जो बंदा आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है उसके मन में एक शक होता है और उस शक को वो पूछता है और ये वैलिडेट करना चाहता है कि आपने वो जॉब परफॉर्मेंस के लिए तो नहीं छोड़ी, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस खराब था या फिर आपने कुछ इनडिसिप्लिन जैसे काम किए, क्या रीजन थी। कुछ रीजन एक्सेप्टेबल होते हैं जैसे रिलोकेशन, करियर ग्रोथ, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही थी या फिर कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, स्टार्टअप थी, फंडिंग बंद हो गई, तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं। कुछ रीजन जो होते हैं वो अनएक्सेप्टेबल होते हैं, वो आपको अवॉइड करना चाहिए, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरा स्टेप आता है कि आपको आपके आंसर्स जो रीजन फॉर लीविंग योर लास्ट कंपनी को बहुत क्लियरली और बहुत छोटे से एस्पेक्ट में आर्टिकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी में एक रिटेनर बेसिस पे थे, आपकी फुल टाइम की जॉब नहीं थी और आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो ये एक बहुत जेन्युइन रीजन है और आप एज इट इज वो रिक्रूटर को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो जो भी आपकी रीजन हो उसको आप बहुत अच्छे से आपको लिखना है, रिक्रूटर को अंडरस्टैंड करना है कि किस प्रोस्पेक्टिव से वो सवाल पूछे जा रहे हैं, और उस प्रोस्पेक्टिव के द्वारा ही आपके आंसर को बहुत ही कम वर्ड्स में बट बहुत ही इम्पैक्टफुल वे में, सो दैट वो उस आंसर को पॉजिटिवली लिया जाए, आपको आर्टिकुलेट करना है। मान लीजिए आपने 2-3 जॉब बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज किए हैं, किसी ने 6 महीने में या 1 साल में 2-3 जॉब आपने चेंज कर लिए, तब आपका काम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज कंपनी जो जहां पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं उनके मन में ये डाउट होता है कि ही इज ए जॉब हॉपर, ये 6 से 1 साल ज्यादा टिकेगा नहीं। तो उस केस में आपको हर रोल के साथ जो आपने ग्रो किया, आपने कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी अक्वायर की, क्या आपने सीखा, उसको एक बहुत ही अच्छे ढंग से आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ सीखा होगा, आपने कुछ स्किल्स अक्वायर किए होंगे, कुछ कॉम्पिटेंसी अक्वायर की होगी, कुछ लीडरशिप एबिलिटी अक्वायर की होगी या कुछ लर्निंग आपकी रही होगी, उसको आप एक अच्छे तरीके से लिख के और उसको ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा दैट विथ ईच जॉब चेंज you have learned certain skill, you have learned certain managerial or leadership ability. बहुत बार ऐसा होता है जब students अपना career शुरू करते हैं, कुछ हाइक मिली तो चले जाते हैं, कुछ एक अच्छा ब्रांड मिला तो चले जाते हैं, इसकी implication future में क्या होगी वो बहुत लोग नहीं सोचते हैं। तो अगर आपने ये नहीं सोचा है तो you can be very candid, आप ये बोल सकते थे sir I left that job out of my immaturity, ये acceptable है। तो जो भी reason है, एक growth जो आपने पुराने जॉब के छोड़ने के साथ नए जॉब में क्या की, उसको आपको एक प्रोग्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा। जब आप इस सवाल का आंसर कर रहे हैं कि व्हाई हैव यू चेंज्ड जॉब सो फ्रीक्वेंटली, आपको फ्यूचर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एक जॉब चेंज किया है तो वो एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन आपने अगर 3-4 जॉब चेंज किया है तो गलती तो हो गई है, बिकॉज ऑफ किसी भी रीजन से हुई है, बट गलती तो हो गई है, तो उसके ऊपर फोकस ना करके आप फ्यूचर के ऊपर फोकस
फोकस करिए दैट सर दिस जॉब एंड दिस कंपनी आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू वर्क इन दिस कंपनी बिकॉज आई स्ट्रांगली फील दैट दिस जॉब आई विल बी एबल टू गिव माई बेस्ट आई विल वर्क फॉर लॉन्गर टेन्योर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड माई कॉन्ट्रीब्यूशन विल नॉट ओनली हेल्प द कंपनी ग्रो बट ऑल्सो इट विल हेल्प मी अचीव माई करियर गोल. सो टॉक अबाउट मोर अबाउट फ्यूचर कुछ ऐसे आंसर्स हो सकते हैं. मैं कुछ आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ जिसको आप रोल वाइज क्या आपकी आंसर होनी चाहिए रीजन वाइज क्या आपकी आंसर होनी चाहिए जिसको आप यूज कर सकते हैं. एंड फाइनल टिप फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट यू नीड टू बी ऑनेस्ट. रीजन कोई भी हो रीजन जेन्युइन हो या फिर गलती हो मैच्योरिटी हो या सही रीजन हो आपको यू नीड टू बी ऑनेस्ट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है. आपको आंसर पहले से प्रिपेयर करने हैं और उस हिसाब से आपको आंसर करना है. जब भी ये सवाल आपसे पूछा जाए कुछ चीजों को आपको अवॉइड करनी है जैसे टॉकिंग बैड अबाउट योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन टॉकिंग निगेटिव जो निगेटिव बातें आपको अवॉइड करनी चाहिए. कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीवियस कंपनी आपको नहीं शेयर करनी चाहिए क्योंकि अगर आप ये शेयर करेंगे तो जो आपका इंटरव्यू कर रहा है वो एज्यूम करेगा कि चूंकि आप प्रीवियस कंपनी की इंफॉर्मेशन इनके साथ शेयर कर रहे हैं तो इस कंपनी की इंफॉर्मेशन भी आप किसी के साथ शेयर करिएगा. तीसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो परफॉर्मेंस रीजन. ऐसी परसेप्शन नहीं होनी चाहिए कि आपने आपकी परफॉर्मेंस पुअर थी या आपने कोई इनडिसिप्लिन वाला काम किया था जिसके कारण वहां से आप निकाले गए. और आखिरी चीज जो परसेप्शन या रीजन नहीं देनी चाहिए कि आपने सिर्फ सैलरी के लिए चेंज किया. फैक्ट हो सकता है बट ये इतना बहुत डायरेक्ट आर्टिकुलेट नहीं करना चाहिए. आपको दो तीन चीजों को मैच करनी चाहिए रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकेशन फैमिली रीजन हायर एजुकेशन या फिर उसके साथ साथ सैलरी. सिर्फ सैलरी रीजन अगर आप देते हैं तो ये बहुत निगेटिवली लिया जाएगा और इन चार पांच रीजंस को आपको अवॉइड करना चाहिए. वाई हैव यू चेंज योर जॉब अगर ये सवाल पूछा जाए तो इन चार पांच चीजों को बिल्कुल आपके आंसर में इंक्लूड करना चाहिए. कुछ लोग होंगे जो आपके लिए पिछली कंपनी में पॉजिटिव रेफरेंस देंगे. उस रेफरेंस को आप कोट करिए दैट आई हैव वर्कड विद दिस मैनेजर एंड ही कैन बी रीच्ड आउट टू एंड्योर्स माय परफॉर्मेंस इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव काम करेगा. रोल इनरिचमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां आप स्टैगनेंट हो गए थे इसलिए आप जॉब शिफ्ट कर रहे हैं ये रीजन आप दे सकते हैं. फैमिली रिलोकेशन फैमिली रीजंस मैरिज और हायर एजुकेशन ये कुछ रीजंस होते हैं एक्सेप्टेबल होते हैं. एंड इफ यू आर एबल टू मेक इम्पैक्ट इन इंटरव्यू फॉर दिस क्वेश्चन चांसेस आर मोर दैट यू विल बी सिलेक्टेड. सो यूज दिस टिप नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू एंड आई एम श्योर दैट दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल एंड इम्पैक्टफुल इन योर नेक्स्ट इंटरव्यू. आप क्या सोचते हैं whether this video was useful for you or not and how what more can I share with you so that you are able to get your next job very fast and you are able to fulfill your career aspiration. आप इसको comment box में जरूर लिखिएगा and I will be very happy to share my experience with you. If you feel otherwise also you can write in the comment box so that I can learn from your experience as well. I wish all of you all the best. The sample answer for this question, sample answer one is, I never expected to change jobs so frequently, but it has been an amazing learning experience. In my first job, the company merged with another one and they removed the position in the new organization structure. In the second case, the company moved its office 6 months after I started. The new office was over 25 kilometers away from my home, and I was spending over 3 hours every day commuting to the job. This could be sample answer if the distance was the problem or if layout or merger was the problem in your organization. Sample answer 2. I joined the first company as an apprentice when I was still in college. It provided me with an excellent opportunity to learn about the product research and competition analysis. Having completed my Master of Business Association or Administration, I wanted to move to a more responsible position where I could directly contribute to the company's market growth. I joined the second company as a senior sales officer and managed a team of 12 sales executives.
although I love this job, I am more passionate about electronic appliances and want to use my marketing skill in this industry. So you can use this answer with little bit of customizing your situation if you have changed job for better job option. Sample answer 3 for the question, why have you changed jobs so frequently, could be, I enjoyed the work in my previous company. Since it was a startup, I could work in several areas. However, it also involved working a lot of late hours. My wife and I were finding it difficult to maintain a work-life balance. I need a more stable organization that leaves me with more time to meet the needs of my growing family, especially the small child. I'm excited to have come across this opportunity in your organization, which seems to be a perfect match for my skill. And I can assure you that I have learned a lot from the previous organization, and I intend to have stable and long tenure with your company.